एनी बापन, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम जो क्लास 11 का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को चार पॉइंट याद रखना होगा, बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का, इसका बेस, इसका वैल्यू। अगर हमको याद ना रहे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बदौलत हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा नंबर सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे और बेस देखेंगे, ठीक है, वैल्यू और बेस। अगर शायद लगता है दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां से कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू एंड बेस। देखिए बाइनरी का वैल्यू कितना होता है, देखिए बाइनरी का बेस होता है 2, इसका बेस कितना होता है 2, क्या क्या 0 और 1, 0 और 1 उसका वैल्यू होता है बेस 2। इसने किसने इन्वेंट किया था, हम लोग परिचय कौन किया था, जेवी न्यूमैन 1946 में हम लोगों को परिचय दिया था बाइनरी का। बाइनरी का इन्वेंशन कौन किया था, जेवी न्यूमैन ने। इसका वैल्यू कितना है 0 और 1। ऑक्टल का इसका बेस है 8, इसका क्या क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है इसका। ऑक्टल का कितना है 7 तक है। और उसके बाद क्या आता है हम लोग का इंपॉर्टेंट सबसे, डेसिमल, इसका बेस कितना है 10, डेसिमल का 10 आता है, क्या क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 से लेकर 9 तक आता है, ऑक्टल का 0 से लेकर 7 तक, और बाइनरी 0 और 1। बाइनरी सिर्फ समझता है 0 और 1, उसका वैल्यू होता है ऑक्टल का 0 से लेकर 7 तक, डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है हेक्साडेसिमल, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 16 क्या क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसका लिखेंगे क्या 10, नहीं होगा 10, उसको लेके क्या लिखना पड़ेगा A, B, C, D, E एंड F। ये इतना दूर समझता है 0 से लेकर 9 तक, और उसके लेके ए से लेके एफ तक। और वो नहीं समझता है, वो 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद ए से लेके एफ तक वो समझता है। ये पूरा चार्ट आप किताब में लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करता है, एग्जाम में जो आता है लगातार कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्सा टू बाइनरी डेसिमल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम देखे हैं तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल ऑक्टल में पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। याद हो गया, हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल कितना दूर समझता है, डेसिमल 0 से लेकर 9 तक समझता है कि नहीं समझता है, 0 से लेकर 9 तक समझता है। और बाइनरी कैसे कितना समझता है, 0 से लेकर 1 तक, ये दो ही समझता है, 0 और 1, बाइनरी 0 से लेकर 9 तक समझता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बाइनरी देखिए, बाइनरी तो हम लोग का 0 1 0 1 0 0 1, मतलब जो भी होगा यही ना बाइनरी होगा, ये बाइनरी है। ये लैंग्वेज कौन सा है, लैंग्वेज ये बाइनरी लैंग्वेज है। उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल कितना होता है 10, ऐसे एग्जाम में दे दिया इसको कन्वर्ट कीजिए 10 से। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहां से शुरू कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ तो हो गया हम लोगों का, एक तो गिन लिए, देखिए 0 तो 0 से गुना करने पर क्या होगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए 0 नहीं लिखेंगे, 1 से गुना करते हैं, 1 = 5 प्लस, यहाँ 1 है, यहाँ 1 में कितना है 3 है, इसीलिए 3 कर दिए,
यहाँ वन है, वन जीरो, यहाँ हम लोग गुना नहीं होगा, ये गुना के साथ प्लस, प्लस का चिन्ह। अब देखिए हम दो को पांच बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, दो को पांच बार गुना करते हैं, दो दो के ऊपर पांच है कि नहीं है, दो चार चार आठ, सोलह सोलह बत्तीस, कितना आ गया बत्तीस, इसका कितना आएगा, दो चार चार दो आठ, आठ आठ कम आठ, इसका देखिए जीरो जब रहता हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना, तो वन, तो वन के साथ वन गुना करने पर क्या आएगा वन, तो बत्तीस और चालीस और वन इकचालीस, इसका डेसिमल कितना आएगा इकचालीस, जीरो और नाइन के बीच आया कि नहीं आया, इस तरह से होता है बाइनरी डेसिमल। अगर समझ में नहीं आया है और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल से समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए हम लिए 1010, इसको क्या कन्वर्ट करना हम लोगों का डेसिमल में, मतलब कन्वर्ट टू डेसिमल, ये क्या होगा क्वेश्चन मार्क, यही ना है, तो क्या करना, हम पहले क्या बोले, तो हम लोग जानते हैं बाइनरी का बेस दो होता है, दो लिख दिए यहाँ, यहाँ पे भी दो लिख दिए, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, इसको गुन लेते हैं कितना है, जीरो एक दो तीन, हुआ यहाँ कितना, वन वन दिए, या थ्री है थ्री दे दिए, प्लस जीरो, तो जीरो तो कुछ नहीं होगा, जीरो के साथ गुना करने पर पहाड़ को भी गुना करेंगे क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो को नहीं लिखेंगे, प्लस कितना है वन, वन लिख दिए, कितना है टू वन, इसके बाद जीरो तो नहीं है तो नहीं देंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि अथरी के गिना कितना आएंगे, आठ आएगा, आठ, देखिए इसको क्या हुआ, आठ प्लस दो एकम दो, तो आठ और दो दस, इसका डेसिमल कितना आएगा दस, दस, समझ आया होगा, अभी समझ में नहीं आया है थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप बोलिए जीरो एक जीरो एक जीरो एक जो मन आया ले लिया हम लोग, इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको गिन लो कितना है, गिनना है सिर्फ, सिर्फ गिनना है, गिनना है, यहाँ जीरो कर दिए एक दो तीन चार पाँच, ऐसा तरह से गिन लिया हम, ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक से शुरू करते हैं, यहाँ एक है, यहाँ पे कितना है जीरो, टू के पावर जीरो, फिर से एक, यहाँ पे कितना है टू के पावर टू, प्लस यहाँ कितना है एक, कितना है वन, टू के पावर फोर, कर दिए, इतना तो समझ में आ रहा है आपका, और तो एक नहीं है, एक जितना है इतना लिख दिए, इसको गुना करें, एक के पावर जितना, एक जीरो कितना होता है वन, तो वन के वन, टू फोर फोर, टू को फोर से गुना करेंगे कितना आएगा, वन टू थ्री फोर, दो चार चार आठ आठ सोलह, कितना आ रहा है सोलह, सोलह चार कूड़ी कूड़ी और एक इक्कीस, आशा करते हैं समझ में आ गए हैं। अब हम लोग करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, देखिए हम लोग को बाइनरी ले ले 40 कर दिए, उसको किसने कन्वर्ट करना है डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये पूरा सिंपल है, 40 लिख दिए यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि कितना होगा 40 का, बाइनरी का कितना होगा दो, पता है कि नहीं है, दो लिख दिए, इतना तो पता है, उसके बाद हम यहाँ कर दिए, यहाँ जो लिखेंगे इसके साथ ये गुना करेंगे, 40 को कितना होगा 20, 20 से कम, 20 तो 40 होता है कि नहीं होता, उसके साथ कुछ बचा हम लोग का, नहीं बचा तो जीरो, दो लिख दिए यहाँ पे, 10 दुगुने 20, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना करेंगे, देखिए 10 के दो को साथ गुना कर रहे हैं, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बच रहा है हम लोगों का, नहीं बच रहा, तो जितना नहीं बचेगा तो जीरो लिखेंगे, बचेगा एक सिर्फ पढ़ेंगे, उससे आसपास घूमना है, उसके ज्यादा नहीं करना है, दो पांच दो हम 10, इसके साथ गुना करना है, इसके साथ पांच को दो के साथ गुना करना है, कितना आ गया 10, कुछ बचा नहीं, जीरो, दो एकम दो दो चार, दो 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 कम चार, पांच से चार घटा हुआ कितना आएगा वन, वन लिख दिए यहाँ पे, यहाँ कर दिए दो एक कम दो, कुछ बचा नहीं, यहाँ पे यहाँ लिख दिए, तो क्या क्या है हम लोगों का, तब इसका डेसिमल, इसका बाइनरी क्या है हम लोगों का, बाइनरी आ गया है 1010000,
ये हम लोगों का है बाइनरी। अगर कंप्यूटर का आप देखिए ना 10110 ऐसा कर दे दीजिएगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि क्या बोलना चाहता है 40। कंप्यूटर 40 नहीं समझता, कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी समझता है। तो कंप्यूटर को 40 लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, 10100 आपको इस तरह से लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप 40 लिखे हैं, नहीं तो कंप्यूटर को नहीं पता है। तो बोलिएगा कि ये सर लिख दिए, तो प्रूफ कैसे होगा कि हाँ सर हम लोग सही लिखे कि गलत लिखे हैं, उसको हम लोग साबित कैसे करेंगे कि हाँ इसका बात सही है कि गलत है, उसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे पूरा प्रूफ। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या है हम लोग को, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोग को संख्या समझना होगा 0 1 2 3 4 5 हुआ था जैसा हम लोग पहले क्लास में मतलब बोले थे कि बाइनरी टू डेसिमल उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। 5 1 है तो 2 गुणित 1 के साथ 2 के साथ 1 सॉरी या 1 है 1 को 2 के साथ 5 की कर दिए प्लस यहाँ कितना है 1 उसके बाद कितना साथ गुणा करेंगे 3 2 को 3 5 बार गुणा करने पर कितना हो जाए देखिए 2 4 8 16 16 25 32 32 आ गया और 3 गुणा 2 4 4 8 आ गया 32 32 8 कितना हुआ 40 मिला कि नहीं मिला। इससे हम लोग अप्रूव होता है कि हम लोगों का सही है गलत नहीं है, समझ लिए आप लोग। और एक उदाहरण देते हैं बाइनरी टू डेसिमल करने का, 30 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे देखिए 30 है 30 को 2 यहाँ पे कितना होगा 15 15 2 30 होता है कि नहीं होता 0 7 7 14 14 1 मतलब यह 15 से घटाव करेंगे 14 से 15 घटाव करेंगे कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा 1 3 2 6 7 से 6 घटाएंगे 1 2 1 कम 2 घटाव करेंगे 1 तो उसका क्या कह रहा है मतलब बाइनरी, उसका बाइनरी क्या कह रहा है 1 1 1 3 को 4 को 1 4 को 1 0 मतलब कंप्यूटर का 1 4 बार 1 ट्रैप करेंगे उसका 0 तो क्या समझ लेगा वो कितना बता रहा है 30। समझ में आया होगा आप लोगों का बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी।